एक शब्द है सारथी और एक शब्द है स्वार्थी। कृष्ण है सारथी, तो बनना है तो सारथी बनिए किसी का, स्वार्थी नहीं बनना है। यही संदेश है, महान संदेश। तो इसलिए कहा गया है कि आपका जीवन एक ऊंचा जीवन बन सके। और ये याद रखें, बाहर से नहीं, बाहर से तो आप जैसे वैसे रहेंगे, सारा परिवर्तन भीतर होता है। देखने में अगर आप देखें तो रावण देखने में बहुत सुंदर था, रंग भी बहुत अच्छा था उसका, लेकिन बाहर से सुंदर था, अंदर से तो नहीं था ना। बाहर से कोई गोरे रंग का है, सुनहरे रंग का है, और अंदर से काला। तो जो कहते हैं ना, तन उजला मन काला, बगुले जैसा भेष, तन उजला मन काला बगुले जैसा भेष। अरे इससे तो कौवा भला, बाहर भीतर एक, एक जैसा तो है। तो जब आप बाहर अपने को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं और भीतर की कोशिश नहीं करते, तब तक एक पतन वाली स्थिति है। और जैसे ही आप अपने आप को भीतर से अच्छा करते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण यहां से शुरू होता है, रहने लायक दुनिया बनती है, प्यार वाली दुनिया बनती है। एक व्यक्ति ने एक कहानी लिखी जिसका सार बताता हूं आपको, कि एक व्यक्ति ये सीमेंट के जंगलों से परेशान होकर पहाड़, झरने, नदियां, सुंदर फूल फलों से लदे हुए पेड़, दूर तक फैली हुई घास और सुनहरी किरणों से चमकते हुए हरे हरे मैदान, उन सबको देखने के लिए जंगल में निकल पड़ा। और उसने कहा, ऊब गया हूं इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया में चालाकी चारों तरफ है और लोग ताकत इकट्ठा करने में, हथियार इकट्ठा करने में लगे हुए, यूरेनियम इकट्ठा कर लिया, 50 बार धरती के मनुष्यों को नष्ट किया जा सकता है, इतना यूरेनियम देशों ने इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। तो वह आदमी ऊब करके चला गया और फिर गुफा में जाकर सोने लगा, और ऐसी जगह चला गया जहां बहुत सुंदर फूल खिले हुए, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि इधर बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते पर जाए तो एक फ्लावर वैली है, फूलों की घाटी, अगस्त के महीने में लोग जाते हैं वहां। 10 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी घाटी है एक, वहां का माली भी भगवान ही है, इतने इतने तरह के फूल खिलते हैं, वो फूल आपने इधर नहीं देखे कभी, वो वहीं खिलते हैं, वहीं मुरझा जाते हैं, वहीं सूख जाते हैं, वहीं उनके बीज गिर जाते हैं। तो वो आदमी गया और गुफा में सोता था, और इतनी देर में कहते हैं कि एटमिक वार हो गई, दुनिया खत्म, पूरे दुनिया भर के मनुष्य। जब आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था ना कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके, तीसरा कब होगा, बोले तीसरे का तो पता नहीं पर चौथे का पता है। और चौथे का क्या पता है, बोले चौथा जो है वो कभी होगा ही नहीं, क्यों, इंसान ही नहीं बचेगा। आदमी उस स्थिति में पहुंच जाएगा पत्थर युग में, अगर कोई बच भी गया तो एटमिक वार हो गया और सब दुनिया नष्ट हो गई, और वो आदमी किसी जहरीली हवा का प्रभाव आने से
उस गुफा में, क्योंकि एटमिक प्रभाव तो वहां नहीं आया, लेकिन कोई जहरीली हवा आई और उसके कारण वो बेहोश हो गया और उस गुफा में सोया रह गया। तो कई सालों के बाद उसको होश आई। अब होश आई तो वो बाहर निकलता है, कुछ खाता पीता है, पेड़ पौधे देखता है, दुनिया बदली हुई है। अब ऐसी स्थिति में दाढ़ी बाल अजीब सी शक्ल हो गई, लेकिन पता नहीं अपना। अब वो आवाज देता है कि कोई है, मैं बात करना चाहता हूं, मेरे हृदय में बहुत प्यार है, मैं अपना प्रेम प्रकट करना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छे स्वर वाला हूं, मैं कुछ गीत सुनाना चाहता हूं, मेरे हाथों में ताकत है, मैं किसी के लिए कुछ कर देना चाहता हूं, मैं कुछ बनाने का इच्छुक हूं किसी दूसरे के लिए, लेकिन कोई हो तो सही। वो दुनिया भर में खोजता घूमता है और उसे कोई मिलता नहीं। खुद से कहता है कि अपने लिए नहीं जिया जाता, हम किसी के लिए कुछ करें, किसी का ख्याल रखें, वो मेरा ख्याल रखे, मैं किसी को प्यार दूं, बदले में मुझे प्यार मिले, मैं किसी की देखरेख करूं, बदले में कोई मेरी देखरेख करे, मैं किसी को हंसाऊं, कोई मुझे हंसाए, मैं किसी के साथ बोलूं, कोई मेरे साथ बोले। हम प्रतिस्पर्धा करें, दौड़ें मिलकर, मैं किसी से जीत जाऊं, कोई मेरे से जीत जाए, मुझे आदमी चाहिए कोई, और फिर अपने से ही बात करता है। ये लोग कहां चले गए? लगता है किसी का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने को बचाने के लिए अपने दुनिया को भी मार दिया। अब कैसी दुनिया चाहिए हमें? वो कहता है कि ऐसी दुनिया चाहिए मेरे दिल में भी दया हो, उसके दिल में भी दया हो। मुझे ऐसी दुनिया चाहिए मेरे दिल में भी प्यार हो, उसके दिल में भी प्यार हो, वो भी भला करे, मैं भी उसका भला करूं, मैं भी तरक्की करूं, मैं उसकी तरक्की में सहायक बन जाऊं, वो मेरी तरक्की में सहायक बन जाए, वो मुझे बढ़ता हुआ देख करके खुश हो, मैं उसको बढ़ता हुआ देख करके खुश हूं, वो मेरे गले लगे, मैं उसके गले लग जाऊं। पर लगता है कि कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया दुनिया में जिसने अपने को बचाने के लिए और अपनी ताकत बनाने के लिए सबको नष्ट कर लिया और खुद को भी नष्ट कर दिया। अब मैं अकेला हूं, मैं एक दुनिया ढूंढ रहा हूं, मैं एक ऐसी दुनिया ढूंढ रहा हूं, ऐसे रिश्ते ढूंढता घूमता हूं, एक ऐसा समाज जिसमें दया हो, ऐसे लोग जिनमें शांति हो, जिनमें प्रेम हो, जो एक दूसरे के साथ मिलकर हंसे, मेरे आंसुओं में अपने आंसू कोई मिलाए, मुझे उसकी तलाश है, मेरे दिल को समझे, मैं उसके दिल को समझूं। कहां मिलेगा वो? वो कहता है कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहा होगा, बहुत बुद्धिमान आदमी रहा होगा, बहुत दिमागदार, बड़ी ताकत वाला, जिसका दिमाग खराब हुआ था, जिसने ये दुनिया खत्म कर दी। तो वो कहता है ऊपर वाले, दिमाग देना बहुत तेज, लेकिन दिल में प्यार उससे भी ज्यादा तेज देना। ऊपर वाले अपनी शांति की तलाश में सब कोई है, ऐसे लोग चाहिए जो अपनी शांति के साथ दूसरों की शांति की भी कोशिश करे, अपने को बढ़ाए लेकिन दूसरों को भी घटाए नहीं, अपना जीतने के लिए दूसरे को मारे नहीं। मुझे ऐसी दुनिया भेज, ऐसे संसार को दे। बड़ी मार्मिक कहानी है उस व्यक्ति की, और ये बात आपको अकेले में बैठकर कभी समझ में आएगी कि ऐसी दुनिया चाहते हम जैसी हो गई है। तुम कहां के लिए आए? तो वेदों में एक संदेश है, पुनर्मनः पुनरायुः पुनः चक्षु म आगन।
फिर से तो मेरा नया मन कर भगवान, पुनरायु हो, एक नई उम्र दे मुझे, नया मन और नई आयु दे, पुनः चक्षु मागन, फिर से मुझे एक नई आंख दे, देखने का तरीका नया दे, पुनः प्राण मेरे प्राण नए कर, पुनरात्मा मेरी आत्मा को भी नया कर, क्योंकि मैं नया हो जाना चाहता हूं, मुझे तू नया कर दे और मेरी दुनिया को भी नया बना दे।